नमस्कार दर्शकों। नमस्कार बाबूजी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। हमने पहले बात की थी शहद, गोमूत्र और टाइफाइड, तीन चीजों पर बात की थी और लोगों ने बहुत आपका जो वीडियो है उसको लाइक किया है। बाबूजी, आज हमारी जो चर्चा है मुख्य रूप से शरीर को चलाने के लिए जिगर की जरूरत पड़ती है। जिगर यानी जिगरा, लीवर, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा ही होगा सर जी, मनुष्य शरीर के अंदर इस ढांचे में, मनुष्य के दाहिने हिस्से में उधर गुहा के नीचे यकृत होता है जी। इसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं, लीवर कहते हैं। और लीवर जो है, यकृत जो है, मनुष्य के पाचन क्रिया में और शरीर को रखने में, खून वृद्धि करने में प्रमुख अंग है, भूमिका रखता है जी। इसमें जो है जरा से भी विकृति आने पर, विकृति का मतलब विकार पैदा होना, होने पर या तो मंदाग्नि हो जाएगी या यकृतानी हो जाएगा, मतलब अनेक व्याधियां लीवर में जरा सा भी विकार होने पर पैदा हो जाते हैं। उसमें जो है मुख्य कभी कभी क्या होता है, पांडु रोग हो जाता है। पांडु यानी पीलिया, जिससे अपने अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं पेड़िया, पीलिया जी। जॉइंटिस इंग्लिश में जॉइंटिस कहते हैं, इंग्लिश में इसको जॉइंटिस कहते हैं जी। अच्छा, इसके तीन भेद होते हैं पीलिए के। हाँ, पांडु, कामला, हरीमर जी, जॉइंटिस, ऑप्टिक जॉइंटिस। और अच्छा, ये जब पांडु जब रोग होता है तब तो ये जल्दी ही मतलब सुख साध्य है, सुख साध्य का मतलब जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है जी। पांडु के बाद दूसरी जो स्थिति आती है कामला की, जिसको कि कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, उसमें क्या होता है, उसके लक्षण जो है, पहले पांडु के लक्षण बता दूं आपको, मुंह में सूजन आना, मुंह पर जो है ना एकदम रूखापन आ जाना, और आंखों में पीलापन आना, नाखून पीले हो जाते हैं, भूख का एक बंद हो जाना, बुखार होना, मूत्र भी पीला आता है, अच्छा पेशाब पिलाना, पिलाना मल भी जो है ना जो वो भी जो है पीला आना शुरू हो जाता है जी। ये पांडु के लक्षण है। कामला के क्या लक्षण है? कामला में सीधे ही जो है अपने मल जो है वो सफेद हो जाता है। अच्छा, जैसा तिल तिल का कल्क होता है ना, उसी के सदृश आता है, और पेशाब पीला हो जाता है, और एक साथ जो है ना आंखें आंखें सब पीली हो जाएंगी, एक ही साथ मिला, एक साथ ही, एक साथ ही अत्यधिक पीला। अच्छा, ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आजकल जो होता है उसका मेन कारण है कुछ है, ये पेन किलर की जो एलोपैथी दवाएं चली है ना, उसका उसमें मूल कारण है पेन किलर जीते। अच्छा, पेन किलर, लेकिन लेकिन इनमें ये दो दवाइयां जो है वो सबसे ज्यादा घातक है। अच्छा, इनको तो डॉक्टर लोग भी इस बात को मानते हैं कि इसको शहद में ही बगैर टेस्ट के वगैरह नहीं लेना चाहिए, बगैर डॉक्टर की सलाह के सीधा नहीं लेना कभी चाहिए, नहीं लेना चाहिए कभी नहीं। और यदि आप लेंगे तो आपको नतीजा भोगना पड़ेगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या और कोई नहीं बात है। यहाँ तक देखा गया है कि पैरासीटामोल से मृत्यु तक हो जाती है। अच्छा, हाँ, और ये देखा है कि आज आपने पैरासीटामोल ली, कल ही जो है आपको पेशाब तो पिलाने ले जाएगा और मल जो है वो जो एकदम जो है एकदम तिल के कल के सदृश हो जाएगा। तो ये कब होता है, जैसे कब लेने से, कोई विशेष व्याधि के समय या कब लेने से ऐसी बीमारी होती? दर्द को नाश करने के लिए जब पैरासीटामोल लेते हैं, सेडोल लेते हैं, तब उसके बाद नहीं होता है, पहले नहीं, 24 घंटे के अंदर। पैरासीटामोल जो है बुखार कम करने के, बुखार कम नहीं, बुखार को उतारने के लिए, उतारने के लिए आप पैरासीटामोल दीजिए, तुरंत बुखार उतर जाएगी, लेकिन उसका नतीजा जो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कामला। तो क्या ये हर व्यक्ति को थोड़ी ना होता है ऐसा, मतलब 100 में से कोई 10-20 लोगों को इसका? बात यह है जिनका लीवर कमजोर है, जिनकी, उन व्यक्तियों को तो होना ही निश्चित बात है, लीवर कमजोर है उनको। लेकिन फिर भी ये हर एक व्यक्ति के ऊपर जो लीवर पर तो अफेक्ट करता ही है, करता है जी, सबसे बड़ी बात जी। बहुत बहुत अंदर की बात बताइए, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। देखिए, दवाइयाँ लेने के लिए होती है लेकिन डॉक्टर की राय के बिना नहीं, हाँ, राय से लेनी चाहिए, चिकित्सक की राय के कभी भी पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए जी जी। और अब जब जब पीलिया हो जाता है तो उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा सर्वोत्तम है।
पीलिया में आयुर्वेदिक चिकित्सा ठीक है, कामला में आयुर्वेदिक दवाई सर्वोत्तम है जी। पीलिया सुख साध्य है और कामला जटर साध्य है और हलीमा असाध्य है, मतलब इसका क्या है असाध्य, जो उससे कोई आराम नहीं होता है उसके मृत्यु निश्चित है। और कामला जो है वो कृष्ण साध्य का मतलब बड़ी कठिनाई से है जो ठीक हो जाता है। अच्छा, कभी कभी लीवर के अंदर जो अपने पित्त ने लिखा है उसमें कंकर ज़्यादा होने से और उसके रुकावट होने से ही पीलिया होता है। अच्छा, पित्ताशय में पथरी। हाँ, पित्ताशय का जब रुकावट हो जाती है तभी पीलिया होता है। अच्छा, पित्त रस नहीं गिरेगा उसमें रुकावट आ जाएगी तब जी। मतलब आमाशय के नीचे ग्रहणी और उसी में पित्त की थली होती है आमाशय के नीचे जी। तो आम जो अपने खाने पीता जो रस बनता है उस रस से सीधा जो है ना पहले वो आपके पित्त की थैली में जाएगा और पित्त की थैली से वहाँ आकर के ग्रहणी में जाएगा। ग्रहणी में वहाँ आ गए पित्त मिल करके उसका रंग जो है ना पीला होता है, नहीं लाल रंग लाल होता। अच्छा, वो वहाँ से रस बनना शुरू होता है। अच्छा, उसमें जब रुकावट पैदा हो जाती है तभी पीलिया पैदा होता है। ओके, अच्छा पीलिए की जब मतलब अवस्था बिगड़ती है तो उसका नाम है कामला। कामला में तो इतना स्थिति बन जाती है, कपड़े भी पहने हुए पीले हो जाते हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, आँख पीली हो जाती है, उसे दिखाई भी पीला दिखाई देने लगता है और बुखार रहने लगता है। और जब वो अवस्था बिगड़ जाती है तो उसे उस हलीमत पैदा हो जाता है। लेकिन कामला के लिए जो है ना और पांडु के लिए भी आयुर्वेदिक जो होती है चाप्यादी लो, चाप्यादी लो, चाप्यादी, चाप्यादी लो, चाप्यादी लो, आपके हरे बहेड़ा, आंवला, सौंठ, मिर्च, पीपल, चित्रकमूल, चब्ब इत्यादि अनेक दवाएँ, नागरमोथा और फिर शिलाजीत, मंडूर भस्म, लोह भस्म और आपके चांदनी भस्म, ये दवाइयाँ पड़ती हैं। और इससे क्या होता है कि मतलब इतना जल्दी रक्ताणुओं की जो वृद्धि होती है उससे जो है ना पांडु में बड़ा लाभ जल्दी लाभ मिलता है। और पांडु के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मंदाग्नि, मंदाग्नि जी, भूख नहीं लगती, वो भूख नहीं लगती है। हाँ। और उसके चलते जो है ना वो तकलीफ बढ़ती जाती है। अच्छा, ये भी चाप्यादि लो भी इसमें खाली अकेले शहद में नहीं, चाप्यादि लो को आप मूली का रस मिश्री है और उसमें मिला कर दीजिए, वो बहुत जल्दी काम करती है, लाभ करती है जी जी। ये मेरे अनुभव की बात बता रहा हूं जी 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 जी। तो मूली के रस में मतलब लाभ, मूली का रस और मिश्री, मिश्री तीनों मिला करके जी। अब बाबू जी, अब आम बात जानना चाहते हैं, जैसे सामान्य पीलिया हो गया, होते ही घरेलू कोई प्रयोग, कोई उपचार ऐसा है कि घर में ही सीधा ही आदमी उपचार करे और खान पान में क्या ध्यान रखे? सामान्य पीलिया होने के बाद में अन्न की मात्रा तो कम कीजिए, अन्न कम खाना है, ठीक है। उसमें छाछ है, दही है, फलों का रस है, आपके तरबूज है, गन्ने का रस है, ये बहुत जल्दी काम करेगा। अच्छा, ये लेना चाहिए, लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए होते ही जी। अच्छा, सामान्य जो पीलिया हो जाता है, कहते पुनर्नवा की जड़ जो सटा, जी उसी पुनर्नवा की जड़ का जो है ना उसी का बनता है पुनर्नवा लो मंडूर। अच्छा, पुनर्नवा लो मंडूर जी, पुनर्नवा मंडूर को ही आपके जो पुनर्नवा जो है इसके दो भेद है, सफेद और लाल, तो दोनों ही काम में ले सकते हैं जी। इसके रस के साथ में शायद में मिला करके पुनर्नवा मंडूर को दिया जाए, वो भी बहुत अच्छा काम करती है, काम करती है। कई लोग उसकी जड़ को बांधते भी हैं, ये भी हैं, ये आपको मैं बताऊं, देखिए ये एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है। अच्छा, और उसके बांधने से वो इस तरह से गांठ दी जाती है। हाँ। वो अपने आप ही जो जो वो सूखता जाता है लंबा होता जाता है। अच्छा। लेकिन लोग वो जाए सबसे मेरा पीलिया ठीक होता जा रहा है, ये मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है जी जी जी। इसे ये मत कहिए टोटका है, नहीं, मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा। अच्छा, उसकी खुशबू से भी कुछ लाभ मिल जाता होगा उसको, उसकी जड़ की खुशबू से उससे भी कुछ हल्का फुल्का लाभ मिलता, लाभ तो मिलता ही है थोड़े जी। अच्छा, खान पान का आपने बता दिया, जैसे कोई विशेष ऐसा फ्रूट या फल या सब्जी जो पीलिया होने पे व्यक्ति को लेनी ही चाहिए, ऐसा कोई विशेष क्या होता है? मूली का प्रयोग इसमें सबसे ज्यादा काम है, मूली का, मूली का। अच्छा, फलों का रस, फलों का रस, अब तरबूज है जी,
तो तरबूज को पेशाब लाने के लिए इसमें अच्छा काम करेगा। अच्छा, मतलब टॉयलेट लाने के चीजें जितनी भी है, जितना ज्यादा पेशाब हो उतना बढ़िया है, उतना बढ़िया। अच्छा अच्छा, तो ये जहर बन जाता पीले रंग का, ये टॉयलेट से निकलना चाहिए। तो ये चीजें हो गई। एक चीज और है, जैसे पांडु हो गया, पांडु होने के बाद में आँख में एकदम पीली हो जाती है, तो उस पीली आँखों के पीलापन को जल्दी खत्म करने के लिए अपना बंदाल डोडा होता है, बंदाल डोडा जी, उसके जालीदार होता है, जालीदार, उसके उसको पानी में भिजो दीजिए, तो उस पानी को नाक में डालिए, नाक में डालने से ज्यादा मात्रा में डालिए, बहुत कम मात्रा में डालिए और बहुत सोच में डालिए, नहीं वरना उसे डालने से आँख का पीलापन तुरंत जल्दी ठीक हो जाता है, तुरंत ठीक। लेकिन वो आयुर्वेद चिकित्सक की देख रेख में, लेकिन उसमें बंदाल डोडे को बहुत सावधानी पूर्वक, नाक में जलन पैदा हो जाती है, जलन होती है। अच्छा, ये ध्यान रखना है। तो हमने घर में जैसे खान पान के अंदर इसको काम में ले लिया, अब अगर लीवर की प्रॉब्लम होती है तो कितने दिन में ये ठीक होने की संभावना रहती है? ज्यादा से ज्यादा आप मट्ठा का प्रयोग कीजिए, मट्ठे का, घी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चिकनाई का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मट्ठे का जितना ज्यादा सेवन करूंगा उतना ही जल्दी आपको आराम आएगा। अच्छा, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना? गरिष्ठ भोजन तो ऐसे भी नुकसानदायक है, लेना ही नहीं चाहिए। जी जी, आप दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, छिलके से मूंग की दाल ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, ये आपको बहुत। अच्छा, एक चीज और है, मैं एक आपको अनुभवी बात बताता हूँ। जैसे किसी को जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, होते ही केला है, केले के अंदर सज्जी क्षार या आपके छोड़ावाई कर उसका इंग्लिश में कहते हैं सोडा बाई कार्ब, उसको चार अच्छी मात्रा में, आधा ग्राम मात्रा में लेके सुबह सुबह तीन दिन तक लगातार खिला दीजिए जी, तो उसमें भी बहुत जल्दी लाभ मिलता है। पांडु में पीलिया, जो सामान्य पीलिया है, बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है। जी जी जी। अच्छा, सामान्य पीलिया तो मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा एक साथ नहीं बढ़ेगा? यदि कुपथ्य होगा और वो चिकित्सा नहीं करेगा तो धीरे धीरे पांडु जो है वो ऑब्स्टेट्रिक कामला में रूप में परिवर्तन, अच्छा, बढ़ता जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा जी। और फिर उसका मिला नहीं होगा या तो फिर हलीमक बन जाएगा, और हली बनने के बाद में वो रोगी बचता नहीं, फिर उसकी मुश्किल। हलीमक का रोगी बचा हुआ बहुत ही कम बचते हैं, उनकी सही चिकित्सा होने में, सही चिकित्सा होने पर ही बचते हैं। अच्छा, लीवर कहते हैं कि लीवर एकदम से डैमेज हो गया, खत्म हो गया, वही बात है वो? हलीमक जो है जी, ये मतलब लीवर के ऊपर जो है सबसे बड़ा दुष्प्रभाव गरिष्ठ भोजन, मांस और ये आपके जो घी चिकना बहुत ज्यादा हैवी, और पसीना नहीं निकालना, एक्सरसाइज नहीं करना, योग नहीं करना, तो शरीर में वो पचेगा नहीं और लीवर पे इफेक्ट करेगा। अच्छा, ये जो फैटी लीवर आजकल कहते हैं, फैटी लीवर, वजन बढ़ जाता है लीवर का, वो भी इसी का ही? इसी का, लीवर के कई व्याधियां हैं, देखिए मैं आपको बताऊंगा। लीवर यकृत वृद्धि है, यकृत विकार है, यकृत दर्द है, यकृत में पित्त की थैली का हो जाना है, और आपके पांडु है, हलीमा का यकृत संकोच है, ये सब यकृत की बीमारियां हैं। तो वजन बढ़ जाए, अगर यकृत वजन बढ़ जाए तो कोई घरेलू उपचार है, कोई दवाई कोई ऐसी जो घरेलू से हम उसको थोड़ा ठीक कर सकें? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसकी वजह से, उसमें कुछ है उपचार? ये आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ है ना, हाँ, पुनर्वामंडूर है, दवाई स्लो है, तपेदिक लो है, आरोग्य वर्धनी बटी है, मंडूर भस्म है, ये आपके ताम्र लो भस्म है, ये सब इसी उपचार में, इसी के उपचार में, यही इसी लीवर की जितनी भी व्याधियाँ हैं उनके अंदर ये औषधियाँ काम करती हैं जी। अच्छा, औषधियों के अलावा अगर हम जैसे कोई वनस्पति हमारे गांव में खेत में लगी हुई है, कोई ऐसी वनस्पति है जिसका एक बार शुरुआती उपयोग ले सके? इसको द्रोण पुष्पी कहते हैं, द्रोण पुष्पी अपने भाषा में घुमा कहते हैं, और
अपने राजस्थान में तो द्रोण पुष्पी खूब होती है अपने खेतों में। क्या कैसा होता है द्रोण पुष्पी? द्रोण पुष्पी लगभग फुट डेढ़ फुट जो है ना आपके ऊंचा होता है और उसमें जो है ना फूल जैसा आता है और उसमें सफ़ेद फूल आते हैं। सफ़ेद फूल? हाँ जी। ऊपर गुच्छा जैसा होता है। अच्छा, फूलों का गुच्छा सा होता है? हाँ, थोड़ा गुच्छा सा होता है। गुच्छा सा होता है, लगभग एक इंच की जगह। एक इंच में द्रोण पुष्पी कहते हैं। द्रोण पुष्पी संस्कृत में द्रोण पुष्पी, अपनी भाषा में गोमा। गोमा? हाँ, गोमा। गोमा क्या? गोमो है। गोमो, गोमो। हाँ। गै से? हाँ, गोबा। गोबा। गोमा। गोमा, गोमा जो है वो शब्द है लोकल हमारी भाषा में है, तो उसका कैसे उपयोग करें उसको? उसका रस काम में लिया जाता है। जड़ का या पूरे उसका? नहीं, मतलब आयुर्वेदिक औषधियों में जो क्षुभ है उनका पंचांग पंचांग का में लेना चाहिए। अच्छा, मतलब जड़ मूल पत्ता फूल पुष्प का में लेना, पंचांग का में लेना चाहिए जी। तो द्रोण पुष्पी के बारे में बताया है, साटा जो है पुनर्नवा जो हमारे खेतों में बहुत होता है वो उसका भी उपयोग में ले सकते हैं। और लीवर जो है ये हमारे शरीर की बहुत महत्वपूर्ण अंग है, प्रत्यंग है, इसको बचा के रखें। और इसको बचाने का मुख्य जो साधन है वो यही है कि गरिष्ठ भोजन से दूर रहे। हाँ, हल्का भोजन ले, हल्का भोजन, छाछ का प्रयोग ज्यादा करें। छाछ का प्रयोग, और रात को भोजन गरिष्ठ लेना भी लीवर के लिए खराब है, सदा के लिए खराब होता है जी। ये तो मतलब उसको अपनी शक्ति से ज्यादा जब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो खराब होगा। खराब होगा जी। तो ये थोड़ा सा आज हमने जो है पांडु रोग यानी लीवर की प्रॉब्लम के बारे में बात की। आपको कुछ बातें जो हैं यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि सारी बातें आप तक पहुँचाने की, लेकिन बाबूजी के क्या है थोड़ा सुनने में और बोलने में थोड़ी सी समस्या रहती है। 92 साल आपकी एज है, तो आपसे हम कोशिश करते हैं कुछ नई नई बातें निकालने की। एक बात हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो भी जो हमारे दर्शक हैं वो सीधा फ़ोन, हमने डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे रखे हैं, एड्रेस दे रखा है, आप उनका टाइमिंग देख लीजिए, उसी टाइम पे आप फ़ोन करिएगा। दूसरा, आप रोग का निवारण फ़ोन पे पूछने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपसे उतना बोला नहीं जाता और उतनी बात बता नहीं पाएंगे। तो आपको अगर दिखाना है तो इनसे आप यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं, चूरू में है, राजस्थान में नंबर है, उन पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उस अपॉइंटमेंट से आप आइए और इनसे संपर्क कर सकते हैं। आयुर्वेद का बहुत बढ़िया इलाज जो है वो कई व्याधियों में होता है, तो अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक मिल जाए, हमें आप मिल गए, हमारा सौभाग्य है कि ऐसी बात आपसे हो रही है और आप तक बात पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप लगातार हमसे जुड़े रहिएगा और बाबूजी से बात और भी हमारी होती रहेगी। अब इजाज़त लेते हैं, बाबूजी प्रणाम करते हुए इजाज़त लेते हुए, नमस्कार।